हाय फ्रेंड, आज मैं आपको ये दिखाऊंगा कि किसी भी इंजन में जो है ये कोल्ड बॉइलिंग क्यों होता है, यानी जिसको ठंडा पानी ही जो है रेडिएटर से बाहर फेंक दे उसको जो है कोल्ड बॉइलिंग बोलते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि अगर जब भी कभी इंजन का अगर हेड गैस्केट जब जल जाता है तो इंजन स्टार्ट करते ही जो है रेडिएटर से कूलेंट जो है हमारा इंजन से बाहर आने लगता है, तो इसी को जो है कोल्ड बॉइलिंग बोलते हैं। क्यों? मतलब पानी जो है बॉयल करने लगता है, ठंडा पानी ही बाहर फेंकता है, तो इसी को जो है हम लोग कोल्ड बॉइलिंग बोलते हैं। और ये अधिकतर जब हेड गैस्केट जो है अगर जल जाता है या ख़राब हो जाता है तो उसी केस में जो है ये पानी रेडिएटर के थ्रू जो है बाहर फेंकना चालू हो जाता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए, अगर हो सके तो बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो जो भी नया वीडियो इस चैनल पर डाला जाएगा उसका नोटिफिकेशन भी जो है आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। इससे जो है आपको नई नई जानकारियाँ भी प्राप्त होती रहेंगी।